मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। सत्र के दूसरे दिन भोजन अवकाश के बाद प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने वर्ष 2024-25 के लिए 5,013.5 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 3,756.89 करोड़ रुपए राजस्व पक्ष और 1,256.16 करोड़ रुपए पूंजीगत पक्ष में है। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से केंद्र पोषित योजनाओं के तहत 1,531.65 करोड़ रुपए और बाह्य सहायतित योजनाओं के अंतर्गत 273.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में आपदा पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। ये 5,013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1,256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। आपदा में लगभग हमने 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अनुरक्षण में हमने इसमें कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ बार बार मेंटेनेंस है, उसकी हम लोग बातचीत करते हैं, तो उस पर भी हमने प्रावधान किया है। शिक्षा में प्रावधान किया है और जो हमारे वाइब्रेंट जो विलेजेस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, यानी उसके लिए भी हमने 130 करोड़ का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने विधान भवन पर धरना भी दिया था। आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट रखा गया। इसके साथ ही 8 विधेयक और 3 अध्यादेशों को भी सदन में रखा गया। आज सुबह सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने CBI के दुरुपयोग को लेकर विधान भवन पर धरना दिया। इसके अलावा भाजपा के लैंसडाउन विधायक दलीप सिंह रावत ने भी वन्य जीवों द्वारा किए गए हमले को लेकर एक दिन सत्र चलाए जाने की मांग की है, जिस पर वन्य जीवों द्वारा किए जा रहे नुकसान पर चर्चा की जानी आवश्यक है। DD News के लिए भराड़ीसैंण से शेखर रावत की।